वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लैम टिप्स। सो आज की जो वीडियो है वो ब्लैकहेड्स के ऊपर है। जैसे हम लोग के ब्लैकहेड्स जो आ रहे हैं लाइक नोज एरिया में भी हो जाते हैं, चिन एरिया में भी हो जाते हैं हमारे ब्लैकहेड्स, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो अगर आपके ब्लैकहेड्स हैं और आप चाहते हो उसको रिमूव करना, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने सिर्फ दो इजी स्टेप्स ऐसे बताए हैं जिससे आपके ब्लैकहेड्स जो है वो गायब हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, साइड में एक बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो हम बात करें अपने पहले स्टेप की, तो पहले स्टेप में आपको सिंपली एक बाउल में पानी को गुनगुना कर लेना है, ठीक है। हल्का सा गर्म पानी चाहिए आपको और आपको उसके अंदर डिप करना है टावल, ठीक है। और उस टावल को आपको यहाँ पे जैसे आपके नोज एरिया में ब्लैकहेड्स हो रहे हैं आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। क्या होगा आपके टॉवल की हेल्प से गर्म होने से आपके नोज पे ना थोड़ी स्टीमिंग लगेगी, ठीक है, जिससे आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे और जो ब्लैकहेड्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। बात करें जो सेकंड स्टेप की, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लाइक पहले तो चाहिए आपको बेकिंग सोडा, ठीक है, आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा चाहिए और पानी चाहिए। आपको थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। आपको इसको डालना है और इसको पेस्ट बना लेना है, अच्छा मिक्स करके अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा थिक पेस्ट बन जाएगा ये। आपको इसके अंदर 2 स्पून जो है आपको बेकिंग सोडा ऐड करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना ताकि थोड़ा थिक बने ये, ठीक है। अब आपको अपनी फिंगर की हेल्प से या ब्रश किसी से भी लगा सकते हैं, टूथब्रश जो खराब हो जाते हैं उससे, फिंगर की हेल्प से जहाँ जैसे आप यहाँ ब्लैकहेड्स है तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ लगाने के बाद आपको इसको कुछ मिनट्स के लिए मसाज करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है, स्क्रबिंग ही करनी है। जो बेकिंग सोडा होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सफोलिएट करता है आपकी यू नो स्किन को, इससे क्या होगा आपके जो ब्लैकहेड्स हैं ना वो रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। ये आपको इसको मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। आपको इसको मसाज करने के बाद पानी से अपना जो यू नो फेस है उसको वॉश कर लेना है। सो गाइज, ये थी हमारी ऐसे 2 स्टेप जिससे आप अपने ब्लैकहेड्स को रिमूव कर सकते हो और ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इजी है। लाइक कोई ज़्यादा तामझाम आपको इस रेमेडी के लिए नहीं चाहिए, बहुत ही इजी है। इसको यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इसको यूज़ करके कैसा लगा। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो गाइज, हम मिलते हैं।